दोस्तों आज हूँ मैं अलीगढ़ आउटलेट, यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं और भैया के हाथ में है क्रेटिन। कब लेके गए थे आप इसे? दो महीने पहले इसको लेके गए थे क्रेटिन। क्या नाम भैया का? सौरभ कुमार भैया का नाम है। अब यहाँ पर भैया पूछने के लिए आए, आपके भी कमेंट आते हैं काफी बार, ऐसा होता है भैया क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ये देखने पूछने आया था मैंने, ये खराब तो नहीं है या सही है या नहीं? ये खराब तो नहीं है भैया, ने खोल दिया था, यूज नहीं किया था। अब इसमें दिक्कत ये हो गई है कि ये थोड़ा सा जम गया है, देख रहे हैं आप क्रेटिन, यहाँ पर मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये देखो ये थोड़ा जम गया है। अब भैया पूछ रहे हैं भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट BCAA, EAA, क्रेटीन, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो कि मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने पर जम जाते हैं, तो उस क्रेटीन को हमें यूज करना ही नहीं करना। तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं, ये पानी में बड़े प्यार से घुल जाएगा। और इस तरीके से आप इसको जो ये जमा हुआ है इसको ऐसे करेंगे तो फिर से ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, और पानी में बड़े प्यार से घुलेगा ये, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझें और एक और चीज ध्यान रखें कि जब आप सप्लीमेंट लें तो उसको रेगुलर यूज करें, ऐसा ना किया करें कि उसको जो है खोल के ओपन करके फिर 2-3 महीने ना खाएं फिर उसको ऐसे रख दें, ऐसे ना करें, क्योंकि मॉइस्चर में कॉन्टेक्ट में आने के बाद में ये जमने लगते हैं, कॉमन चीज है। तो आपका भी क्रिएटिन अगर जम गया है, आपने यूज नहीं किया, तो आप उसे यूज कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है।